उनका नाम है नितिन गडकरी कुछ ऐसा था, है ना। अब वो होता है ना, शौक होता है टशन का, तो वो एक कार में का हाइड्रोजन कार थी। तो हमारे यहाँ पे हाईलाइट करने की बहुत आदत है, तो हमने भी हाईलाइट कर लिया उसको। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट द हाइड्रोजन कार? कैन वी से इट इज द फ्यूचर कार? नो, व्हाई? पार्डन? फॉर राइट नाउ वी कैन नॉट से दैट इज द फ्यूचर कार। व्हाट अबाउट द फ्यूचर इन 2050? सो दिस इज द टर्म सेइंग द फ्यूचर कार, नहीं? ओके, व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन कार? बिकॉज आई बिलीव यू हैव नो आइडिया अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। दिस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, नॉट द हाइड्रोजन कार एज सच। लेट्स अंडरस्टैंड, देन विल सी वेदर इट मे बी अ फ्यूचर कार और नॉट। आई बिलीव इट कैन बी। वी नीड टू एनालाइज द न्यूज एज सच, ठीक है? लेट्स सी। सो कंटेक्स्ट आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, है ना? गडकरी जी ले गए, कार का नाम क्या था? प्री के लिए आपको पता होना चाहिए। सॉरी, रिलायंस? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, है ना? क्या कर रही थी ये? टोयोटा की मिराई, है ना? क्या क्या फर्क पड़ता है, जो भी था टोयोटा की थी। और ऐसा नहीं है कि अकेली कार है, और भी कंपनीज ने ऐसी बनाई हैं ऐसी कार, ठीक है? चलिए, होगा। ये कैसे लगे? अब यहां पे एक चीज है, दिस इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये फर्क है। दिस इज, आई एम नॉट सेइंग कि हाइड्रोजन से नहीं चलती डायरेक्ट। एक क्या कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप देखते हैं जो कन्वेंशनल कार्स हैं वो किससे चलती हैं? फॉसिल फ्यूल से चलती हैं, फॉसिल फ्यूल से चलती हैं। उसके बाद आ गया एलपीजी, सीएनजी और एलपीजी। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो तो चलिए आप पेट्रोल डीजल जो भी है उसमें डाल लीजिए, वो डायरेक्ट इससे चलेंगे। दूसरी जो है एलपीजी और अब सीएनजी, ये चीज़ें हैं तो वो डायरेक्ट सीएनजी से चल रही हैं। और शायद इसके बारे में एक बार हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन से, है ना, हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल, ये हाइड्रोजन से डायरेक्ट नहीं चलेगी। और जो तीसरा इंडिया में कॉन्सेप्ट है और बाहर भी है, टेस्ला की कार इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं। अब 2 मिनट के लिए सोचिए, इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर कार हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। देन व्हाई नॉट हाइड्रोजन कार? यस 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 यस, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, वही समझना। मैं सारा जो आप बात करें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा है। वो कहते ना, अरे भाई करना क्या चाहते हो, सीधी कार चला लो ना, इतना क्यों करने लगे हुए हो, है ना? हाँ, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ईवीज, और उनको कहते हैं बीईवी, बीईवी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी से चलती हैं। अब पहली बात तो यह कि बैटरी वाले बेटर हैं कि हाइड्रोजन फिर वाला कॉन्सेप्ट क्या आ गया? एक्चुअली क्या है, जो बैटरी है उसमें क्या, बैटरी लगा दी फिर क्या जनरेट करेगा वो? पावर है, आपको पावर देगा। यहाँ पे फ्यूल सेल है, पावर जनरेट होगी किससे? हाइड्रोजन से पावर जनरेट होगी, और उससे क्या होगा, फर्दर इंजन जो है वो आपका चलेगा। पावर जनरेट हो गई तो फिर स्पेशल क्या हुआ? लाइक अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2 मिनट के लिए कंपेयर कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कन्वेंशनल व्हीकल्स को कंपेयर कीजिए, एक लेमन की टर्म में, साइंस में मत घुसिए, लेमन की टर्म में कंपेयर कीजिए, क्योंकि इंडियंस को बहुत आदत, हमने पहले डिस्कस किया, कितने का पीता है, या तो चीता भी पीता है। अब मान लीजिए आपको चाहिए, घर वाले बोले कि क्या करेगा बेटा, क्या चाहिए, पल्सर चाहिए या स्कूटी दिला दे, इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्या चाहिए? पार्डन, चलो बुलेट की बात कर लेते हैं, है ना? मीन्स हम ऐसे बात करें, कन्वेंशनल व्हीकल और एक कन्वेंशनल व्हीकल और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, पर्टिकुलरली बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप क्या प्रेफर करेंगे और क्यों? तो पहले तो मैंने बस आपकी पसंद पूछी है। पसंद कौन पूछता है, कि घर वाले पूछते हैं,
यहाँ पे क्या? यस सॉरी कन्वेंशनल कि सबकी पसंद ये है क्योंकि बुलेट राजा तो यहीं पे है, मतलब वो टेस्ला टूसला किथे गई? तो मतलब जो सभी की चॉइस है वो कन्वेंशनल है, मतलब इंडिया गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी, बैन ही लगाना पड़ेगा, आप लोग तभी मानोगे। देखो यस, अगर आप कहेंगे अभी तक जो अगर देखते हैं फैसिलिटीज है, क्योंकि इसमें क्या आपने टैंक फ्यूल डाला उसमें और चल पड़े? अरे भाई, और पंप मुझे लगता है अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है, अगर आप मुंबई जाना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्यूल में टैंक फ्यूल नहीं है टैंक में, तो वो रिफिल करा लेंगे। यहाँ पे क्या चाहिए, बैटरी है, उसका अपना वेट होता है नंबर वन, फिर उसकी जो पावर है, इसमें तो पावर है, जहाँ मर्जी ले जाइए इनको, है ना, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, उसमें मुझे नहीं लगता वो जो स्कूटी है या कार है उसमें ट्रिपलिंग कर लेंगे स्कूटी में, है ना। और फिर चार्जिंग स्टेशन का बहुत इशू है, यहाँ तो लोग अभी मोबाइल चार्जिंग पे ही लगे रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं ट्रेन में भी कोई पॉइंट है चार्जिंग का, क्लास में भी ढूंढते हैं कोई चार्जिंग का पॉइंट है, है ना, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो वो चार्जिंग तो ये था उसमें कि या तो बैटरी रिप्लेस हो, वो पॉसिबल नहीं होता कि जैसे स्कूटीज है उनकी बैटरी रिप्लेस कर दी जाए, वो कॉस्टली होती हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉस्टली हैं, तो लोग पहले कॉस्ट देखते हैं, है ना। वो कैपिटल आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, मैं भी लेमन के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ, अब दूसरी तरफ से भी बात कर लेते, बट ये है अगर आपको लोकल चलाना है, चंडीगढ़ में चलाना है, कितना दूर जाना चंडीगढ़ में, 10-20 चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है उतने में, तो 50 किलोमीटर तो चंडीगढ़ नहीं है, इधर 10 गए चंडीगढ़ ख़त्म, इधर 10 गए चंडीगढ़ ख़त्म हो जाता है, जीरो पर पहुँच जाएंगे आप। तो लोकल के लिए तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिक ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्यों इलेक्ट्रिक की मैं बात कर रहा हूँ, प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से, चाहे सब्सिडी दीजिए, देना चाहिए, क्योंकि जो वो इतना शोर मचता है, जो आप कहते हैं पोल्यूशन है, कंजेशन है, वो कैसे टैकल होगा अगर सभी बुलेट पे ही राजी हो गए, अगर सभी को कन्वेंशनल ही चाहिए, तो पॉसिबल नहीं आप कह पाएंगे कि पोल्यूशन अगले 2 डेकेड में भी कम होगा, मुझे नहीं लगता। और किसी को चाहिए नहीं इलेक्ट्रिक, सबको कन्वेंशनल चाहिए, फिर कहते हैं कि पोल्यूशन भी कम करना है, दिस इज वेरी बैड। अगर आप लोग नहीं सोचेंगे ना, तो कोई भी नहीं सोचेगा, नहीं मुझे लगता है। इसीलिए गदगरी जी लेके आए, देखो मैं भी लेके आऊँ, आप भी लेके आओ, इंडिया में तो होता है ना टशन, केक लेके आया ले, मैं भी लेके आऊँगा, इंडिया में कुछ ऐसा चलता है, कंपटीशन चलता है इंडिया में। चलिए जो भी है ठीक है, उसके अलावा होंडा की भी है, ह्यूंडई की भी है ठीक है। इसमें आपको पता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या है फ्यूल, ऑक्सीजन क्या है ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर के बिना फ्यूल नहीं चलेगा। चलिए उससे पावर जनरेट हुई और उससे मोटर चलेगी, अल्टीमेटली तो यही है। रिफ्यूलिंग प्रोसेस इसका बेटर है कन्वेंशनल कार से, चाहे वो इलेक्ट्रिक है या दूसरी है। इलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम क्या है, आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी नंबर वन, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या क्या करना पड़ेगा उसको चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा। अभी तो मोबाइल ही आते हैं जो 20 मिनट्स में चार्ज होते हैं, अभी कार तो ऐसी मुझे लगता है टाइम लगता है, बट कार इतनी देर में चार्ज नहीं होती। और अगर मुझे कहीं जाना है और मुझे बार बार हर 4 घंटे बाद मुझे रोके कार चार्ज करनी पड़ी और वहाँ पे पहले ही मारामारी हुई कार की चार्जिंग के लिए, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि अगर आप हाइड्रोजन फ्यूल डालते हैं, अब आपको चार्जिंग थोड़ी करनी है बाहर से, आपका चार्जर ही अंदर है। बैटरी में आप कहेंगे कि सोलर कार, अरे सनलाइट नहीं है, मॉनसून है, क्लाउड है, तो भी आप नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे क्या है, जो चार्जिंग वाला काम है वो नहीं है, है इलेक्ट्रिक, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि गैस है जिसको रिफिल किया जा सकता है, तो एक तरह की हाइब्रिड है और बेटर ऑप्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उससे भी बेटर ऑप्शन है,
और चाहे वो कन्वेंशनल उससे भी बेटर ऑप्शन है, तो दोनों से बेटर ऑप्शन है ये, वो हम कंपेयर कर ही रहे हैं। कितनी तरह के होते हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बहुत तरह के होते हैं। एक तो ये जो अभी आने शुरू हैं बाजार में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो अब आपको पता ही है बैटरी वाले ही हैं मेजॉरिटी। टेस्ला वाली भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं यहाँ तक मुझे लगता है, है ना, चार्जिंग पे लगानी पड़ती है वो, है ना, तो बैटरी इलेक्ट्रिक BEV प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं इसमें। एक है हाइब्रिड कार, इंटरनल कंबशन इंजन भी होता है उसमें और इलेक्ट्रिक मोटर भी है, दोनों ही हैं वो, ठीक है। चार्जिंग नहीं तो फिर उधर से इग्निशन उधर से ऑन कर लो, आपका जो फ्यूल टैंक उसमें पेट्रोल या गैसोलीन जो भी है उससे चला लीजिए, ठीक है। फ्यूल सेल, हम इसकी बात कर रहे हैं फ्यूल सेल, या फिर ये है, ये भी सिमिलर टू हाइब्रिड है यहाँ पे, ठीक है। फ्यूल सेल में क्या है, यहाँ पे बैटरी नहीं होगी, फ्यूल सेल होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जो आप फ्यूल डालेंगे उससे। तो यानी कि डीजल डाला तो वहां पे क्या हो रहा है, सीधा इंजन जो है उसमें कंबशन होके इंजन इग्नाइट होता है, इंजन पावर देता है। यहाँ पे उस फ्यूल से पहले पावर जनरेट होगी, उससे अगेन वो सिस्टम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि, तो मुझे लगता है दोनों चीज़ को मिक्स कर दीजिए, जो फ्यूल वाले व्हीकल थे कि जो फॉसिल फ्यूल से चलते हैं उसको और इलेक्ट्रिक को दोनों कंबाइन कर दीजिए। बट यहाँ पे क्या नहीं, इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, इंटरनल ही होता है ना कंबशन इंजन, क्या एक्सटर्नल होता है? एक्सटर्नल किस में होता है, स्कूल में पढ़ते थे 9th स्टैंडर्ड में, मैं मत कहना हमने नहीं पढ़ा, बचपन की बातें हैं, हमने 6th में पढ़ा हो, है ना, आप लोगों ने 6th में पढ़ा होगा, पढ़ आहो ही, हाँ। अब ये बताने की जरूरत है यस, कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई नहीं आप में से परचेज करना चाहता नहीं चाहता नहीं चाहता एक्चुअली रीजन उसका सबसे बड़ा कॉस्ट है, सबसे बड़ा रीजन कॉस्ट है। यहाँ पे क्या है, रिफ्यूलिंग है जो जस्ट 5 मिनट्स में हो सकती है, चार्जिंग 5 मिनट्स में नहीं हो सकती। आप क्लास लगाने आए, पता लगा बैटरी वीक होगी आपकी भी और उसकी भी, आपके व्हीकल की भी, अब क्या करोगे आप, चार्जिंग पॉइंट उठोगे बाहर या फिर घर नहीं जा पाओगे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, तो ये बेटर ऑप्शन है। दूसरा, जो स्टोरेज है चाहे वो वॉल्यूम और चाहे वो वेट, वो इसका बेटर है। जो बैटरी है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका वेट होता है जो फिक्स रहेगा। फ्यूल अगर फ्यूल टैंक में डालते हैं ना, अगर 30 लीटर 40 लीटर है अगर वो कंज्यूम होता है, उसका वेट भी कम होता जाता है, यहाँ पे नहीं होता है। किसमें, इलेक्ट्रिक, जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें नहीं होता है। तो क्या होगा कि अगर ये फ्यूल सेल डालेंगे आप, तो जो फ्यूल सेल है वो स्पेस यानी कि जो स्टोरेज है और उसका वेट रिलेटिवली कम होगा, उससे होगा क्या, आपकी जो कार है या व्हीकल है वो लाइटर होगा। अगर व्हीकल लाइटर हैं तो इफिशियंट होगा, आपकी जो कंजप्शन रिलेटिवली कम होगी। इसीलिए देखिए, चाहे वो कार्स हैं आपकी आज की डेट में, इवन प्लेन है, उसका जो वेट है रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जितना वेट ज़्यादा होगा अदरवाइज उतनी फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, इफिशियंसी उतनी कम हो जाएगी, है ना। इसीलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट है ना, पहले स्टील का हुआ करता था फ्रेम कार का, अब तो नहीं होता, अब उससे भी आगे चले गए हैं, कार्बन फाइबर को हो गया, प्लेन भी कार्बन फाइबर के और, है ना, और एल्यूमिनियम के फ्रेम है या कार्बन फाइबर के हैं। तो वो किस लिए हैं, सिर्फ इसीलिए कि इफिशियंसी उसकी स्पीड बढ़े, अदरवाइज तो नहीं है। हाँ मुझे पता जीप का नहीं होता, ठीक है। अब ये कि प्रोडक्शन क्यों बात करें इंडिया में इसकी, कि प्रोडक्शन कहाँ से होगा हाइड्रोजन की, उनको लगता कि हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत है, अबंडेंस में है, पता नहीं कहाँ पे, वैसे हमने ज्योग्राफी में तो नहीं पढ़ा कि अबंडेंस में है, पढ़ा कहीं, एटमॉस्फेयर से निकाल लेंगे, एटमॉस्फेयर में कहाँ पे है हाइड्रोजन, कहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे मन में है नहीं, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, कितनी, ठीक ठीक लगा लो यार,
आप ठीक बोल रहे हैं, 78 ही होती है। हाँ, नाइट्रोजन 78% और दूसरी, ये सबको पता है, सारे एक साथ बोल रहे हैं, कितने परसेंट होती है? पार्ट 21 है। हाइड्रोजन तो है नहीं, हम ऐसी शोर मचाई इन्होंने, हाइड्रोजन बहुत है अपने पास, कि जो बाकी 1% रह गया, जितनी भी गैसेस हैं वो इसी में है, फिर हाइड्रोजन कहाँ से लाएंगे? पानी बहुत है अपने पास। एक तरफ कहते हैं, उस दिन क्लास में कहते हैं वाटर क्राइसिस हो रहा है, अब कह रहे पानी बहुत है। चलिए, इनको लगता है कि एक तो जो नेचुरल गैस है यहाँ से निकाल लीजिए, कार्बन अलग निकाल लीजिए और हाइड्रोजन अलग निकाल लीजिए, अलग अलग कर लीजिए इसको, है ना। एक तो कहते हैं हम यहाँ से निकाल लेंगे, प्रोसेस उनको आते होंगे करने, मुझे तो नहीं पता कैसे करते हैं, साइंस वालों को पता होगा, जो साइंस वाला है वो चुप बैठ जाए कि मुझे पता है, बाकी वो टेंशन ना ले, आपने कौन सा करना है, है ना। दूसरा वाटर, H2O है, हाइड्रोजन निकाल लीजिए और ऑक्सीजन निकाल लीजिए, कुछ ऐसा है, ऐसे मुझे तो ऐसे लगता कि ऐसा ही होने वाला है, मतलब आपको ऑक्सीजन भी फ्री में बना रहे हो आप तो, है ना, और हाइड्रोजन भी बना रहे हो, तो यहाँ से निकाल। तीसरा उनको लगता है जो बायोमास है उसके जब गैसिफिकेशन करते हैं, कंबशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो चीज़ें डालते हैं तो उसमें स्टीम करने के बाद, स्टीम ऑक्सीजन और हीट जब उसके करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस हो जाती है। और कहते हैं इंडिया में बायोमास बहुत पड़ा है, कचरा तो बहुत है हमारे यहाँ पे, बायोगैस बहुत है, कितनी चाहिए आप बताइए, कितना प्रोड्यूस करना है वो आपके ऊपर है, बायोमास के ढेर लगे हुए जगह जगह पे, हर जगह लगे होते हैं, शाम को हर शहर में लगे होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज है। इसको कहाँ लिंक करेंगे हम, पता है, इकोनॉमी से, रूरल इकोनॉमी में, क्योंकि इकोनॉमी में हमारा इंडिया जो रूरल है, और रूरल में बायोमास बहुत होगा, शहरों में चाहे ना हो रूरल इंडिया में बहुत होगा, और वहाँ पे बायोमास है तो वहाँ पे गैसिफिकेशन के प्लांट लगाइए तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। थ्योरी में कितना अच्छा लग रहा है कहना, तो थ्योरी में हम बोलेंगे ना, एग्जामिनर को खुश करना है कि बच्चे आइडियाज़ बहुत अच्छे लेके आ रहे हैं, आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए, बाकी बंदा अपने आप अच्छा हो जाता है। एडवांटेजेस हैं इसके ओवर द कंबशन इंजन, लॉस ऑफ एनर्जी जो इंटरनल कंबशन इंजन में था वो रिलेटिवली ज़्यादा है उनके अकॉर्डिंग, और इसमें कम है, लॉसेस कम है इसमें। इफिशेंसी जो है फ्यूल सेल की, जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से वो ज़्यादा इफिशेंट होंगे कि एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वैसे भी हाइड्रोजन जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो इन कंपेरिजन विद अदर फ्यूल्स वो ज़्यादा करता है, चाहे वो CNG हो चाहे LPG हो, हाइड्रोजन की जो कैलोरिक वैल्यू है वो ज़्यादा मानी जाती है। फाइन, वो कहते इसका डुअल पर्पज़ है, कार भी चलेगी आपकी, और दूसरा आपका जो उसमें बैटरी होगी वो चार्ज होती रहेगी, तो जब आप स्टैंड बाई पे होंगे तब भी वो चल सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें बार बार फ्यूल ही चाहिए, अगर बैटरी चार्ज है तो भी चलेगी, तो स्टैंड बाई पे भी चार्ज हो जाएगी और आपकी कार भी उससे चलेगी, तो डुअल पर्पज सर्व होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो मुझे तो लग रहा है बेनिफिट ही बेनिफिट है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा है इसकी। पैसा, मैंने एक दिन बात कही थी एक क्लास में कि जब एनवायरनमेंट की बात करेंगे ना फिर कॉस्ट मैटर ही नहीं करती है, अगर हम मिलियन और बिलियन डॉलर लगा के भी एनवायरनमेंट को बचा पाएं, वी कैन सेव द सोसाइटी द सिविलाइजेशन, मनी इज नथिंग बट अ थॉट, मुझे ऐसा लगता है, पैसा कुछ नहीं है, पैसा वो कहते हैं ना पता नहीं क्या क्या डायलॉग है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है मनी इज जस्ट अ थॉट। तो ये जितने भी होते ना मिलियन डॉलर बिलियन डॉलर सिर्फ एक नंबर होता है, अगर आप इसे खर्च करके भी रिसोर्सेज ले सकते हैं, एग्जांपल के लिए मान लीजिए इफ समबडी इज देयर ऑन द प्लेनेट, किस पे जाएं, मार्स पे जाते हैं, है ना, और आपके पास 10,000 या 1,00,000 डॉलर पड़े हैं जेब में, ठीक है, और वहाँ पे इफ यू आर हंग्री क्या करेंगे, यू कैन अफोर्ड फूड, यस यू कैन, बट एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे, अफोर्डेबिलिटी तो तब आती है जब एक्सेसिबिलिटी हो, और जब एक्सेसिबल नहीं होता तब कॉस्ट मैटर नहीं करती है। शॉपिंग मॉल में PVR में पॉपकॉर्न की कॉस्ट मैटर नहीं करता है क्योंकि वो
एक्सेसिबल नहीं होता है। जब एक्सेसिबल हुआ, काउंटर खुला, अफोर्डेबिलिटी वहाँ मैटर नहीं करती है। हम वहाँ लड़ते नहीं है कभी भी नो नहीं लड़ते हैं हम। तो मुझे ऐसा लगता है, और कभी भी देख लीजिएगा जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्ट देखिएगा कितनी होती है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, कुछ हमने बात की थी कॉस्ट की, है ना, फ्यू लाख करोड़ रुपीस, बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया की इकोनॉमी के लिए। थे अगर तो ऐसा जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं बताता हूँ फिर, वो हमारे प्रोजेक्ट है ना, किस पे, मार्स का प्रोजेक्ट है इंडिया का, कुछ मार्स मूर्स का भी है हमारा, और मंगलयान मूवी बनी थी, बनी थी ना कुछ ऐसा, मैंने सुना है एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार वाली, और एक वो भी है हमारा प्रोजेक्ट चंद्रयान। लोग इस पे ऑब्जेक्शन रेज ये करते हैं कि इतने मिलियन डॉलर इंडिया चंद्रयान पे, मंगलयान पे खर्च कर रहा है, इतना किसी गरीबों को पैसे दे दो भाई, कुछ रोटी वोटी खिला दो उनको, उनके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लो, इकोनॉमी में कर लो, क्यों उधर वेस्ट करो। नंबर वन, नंबर टू, वो जो वो राफेल रूफेल खरीद रहे थे है ना, उसकी कॉस्ट जो क्या था वो एयरक्राफ्ट कैरियर, उसकी कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर में है। एक प्लेन बिलियन बिलियन डॉलर के क्या करोगे इतना, कि यार पीस रखो, लड़ना हमने है ही नहीं, इतने पैसे क्या करो, वेलफेयर स्कीम में लगाओ। अब क्या किया जाए बताइए, है ना क्वेश्चन। और ये दिस इज अ मूट पॉइंट एग्जाम के लिए, यू मस्ट नो कि अगर ऐसे आता है तो आप जैसे क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, एलिवेशन और इलिमिनेशन ऑफ दिस पॉवर्टी और डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किस पे फोकस किया जाना चाहिए। मतलब लोग भूखे मरते रहे हाँ मुझे पता है, तभी इतने डेवलप हमने कर लिया आज तक। आप ठीक कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ऐसा है, हम दोनों चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों मैं बात करता हूँ, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इग्नोर कीजिए दो मिनट के लिए, ठीक है, लॉस है। अगर आपने पावर्टी या लोगों को जो डाउन ट्रोडन है उनको इग्नोर किया तो क्या होगा, मुझे बता दीजिए। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लीजिए कहीं भी, कि कहीं गवर्नमेंट है और वो एक सेक्शन को इग्नोर करती है जो बड़ा सेक्शन है। पावर्टी इंडिया में छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। आज भी जो पॉपुलेशन है बिलो पावर्टी लाइन बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, लैक्स में नहीं है, करोड़ों में है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, रेवोल्यूशन होते हैं। रेवोल्यूशन कहाँ हुए, चाहे वो रशिया का था, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, वो इसीलिए होते हैं। जब तक लोगों को खाने को मिल रहा है ना, कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, लोग रिवोल्ट नहीं करते हैं। और जहाँ पे वो एक ब्रेड भी रुका, रेवोल्यूशन हुए हैं, तो आप उसको किसी भी कॉस्ट पे इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ पैसिफाई कर सकते हैं कि कल को दे देंगे परसों। एग्जाम्पल उठा लीजिए, अगर एक बच्चे को कुछ चाहिए, पेरेंट्स उसको इग्नोर करें तो क्या होगा। आजकल तो बच्चे वैसे एम्पावर्ड हैं, नहीं करके देख लो, और ये नहीं किसी चीज पे, किसी भी चीज पे कोर्ट पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच जाते, और कोर्ट कह देता आर्टिकल 21, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, चाहे जज को पसंद हो या ना हो, आर्टिकल 21 वुड प्रिवेल। और इसीलिए मुझे लगता है मैरिज एज बढ़ा रहे हैं, कहते हैं फिर लॉ से पर भी उसे बाहर हो जाएंगे, अब कर लीजिए क्या क्या करना है, फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो दिस इज अ मूड क्वेश्चन। और जब आप बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उसको हम क्यों नहीं इग्नोर कर सकते, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब आप वर्ल्ड में हैं तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं विद अदर कंट्रीज, सबसे बड़ी बात यह है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आप बैकवर्ड हो जाएंगे। पहले हम बड़ी मुश्किल से डेवलपिंग में आना शुरू हुए हैं, इंडिया की जो इमेज थी, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ चार्मर्स और ये वो, कुछ 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 ऐसा सुनते थे हम तो बचपन में। अब कुछ शायद इमेज चेंज होगी होगी, जिसे मर्जी पूछे, इंडिया मीन्स पुअर एंड हंग्री पीपल, ऐसा चाहे नहीं है। और मूवीज में देख लेना, इंडियन में मत देखना, हॉलीवुड में देखना, वो इंडियंस को कैसे दिखाते हैं, कौन से गली मोहल्ले वो दिखाते हैं, तो उसे लगता है इंडिया, मतलब इमेज क्या है इंडिया की।
और अगर इंडिया की इमेज सही नहीं होगी तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो अच्छी नहीं हो सकती, आपके रिलेशन विद अदर कंट्रीज अच्छे हो ही नहीं सकते। टॉर कैसे बनती है? टॉर बनानी भी तो जरूरी है ना, जब बच्चों के नंबर आते हैं ना क्लास में तो टॉर बनती है, पड़ोसियों से भी टॉर बनती है कि मुंडा बड़ा इंटेलिजेंट हैगा, नंबर ले आंदा है, तुम कुछ मत करो बस नंबर ला दो, वो खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं, पड़ोसी भी खुश हैं, तो वो ज़रूरी होती है, टॉर तो ज़रूरी है ना, टॉर नाल थोड़ा कुछ ऐसे ऐसे गाने आते हैं। राइट, ऑल राइट, चलिए अगर इसके प्रोज एंड कॉन्स जो आप कह रहे हैं दोनों बात कर लेते हैं, है ना, फ़ायदे भी हैं और एडवांटेजेस डिसएडवांटेज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें हर चीज़ की होती है। आईएएस बनने के बाद भी रहेगा, आईएएस बनने के फ़ायदे हैं, नुकसान भी बहुत हैं आईएएस बनने के, नुकसान की तरफ आपने किसने देखा नहीं है। यस हाँ, आपको पता होना चाहिए नुकसान क्या है आईएएस बनने का, किस कॉस्ट पे आप आईएएस बन रहे हैं, ताकि आपको बाद में टेंशन ना हो और तैयारी आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। फिर मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सोशल लाइफ भूल जाना, ठीक है ओके। तो इसमें इमिशन बहुत कम है यार, इमिशन ना के बराबर है एक्चुअली। पर्टिकुलर अगर बात करें कौन से हाइड्रोजन इसमें, वो टेल पाइप नहीं है इसमें, इसमें क्या वाटर निकलेगा, निकलेगा थोड़ा बहुत तो, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। वाटर इज द रेजिड्यू, यहाँ पे बायोमास बेस्ड हम हाइड्रोजन प्रोजेक्ट लगाएंगे गैसिफिकेशन के लिए, कहाँ लगाएंगे, जहाँ बायोमास होगा, रूरल इंडिया है तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जो पॉलिसी है वो कहती है कि ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ये सबसे बड़ी बात है इसके लिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स नहीं होते, वो हैवी लोड नहीं ले जा सकती हैं, मैंने पहले कहा ट्रिपलिंग कर सकते हैं उसमें, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे कि उस पर तीन अच्छे तगड़े तगड़े लोग बैठ जाएं और यहाँ से जीरकपुर तक भी जाएं, या एक की गेड़ी लगा के चंडीगढ़ की, मुश्किल है, एक महीना ऐसे चल सकता है उसके बाद वो नहीं संभाल पाएगी स्कूटी का, है ना। और व्हाट अबाउट बुलेट, पांच लोग बैठ जाएं उस पर, जो बैठे उनका कुछ टूट सकता है, बुलेट का कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मीन्स उसकी जो कैपेसिटी है वो नहीं है, वो पावर जनरेट ज़्यादा नहीं कर सकते, और है भी ये सही बात, आप देख लेना उसकी स्पीड लिमिट कितनी होती है, स्पीड लिमिट वो 60-70-100 पे से ज़्यादा तो होता ही नहीं है उनका, ठीक है। पर जो हाइड्रोजन बेस्ड होगा उसकी इफिशेंसी ज़्यादा है, तो वो लोड ज़्यादा कैरी कर सकता है, इसका मतलब आप कह सकते हैं जो हैवी व्हीकल्स हैं, क्योंकि आप बैटरी ऑपरेटेड कार सुनते हैं या बाइक सुनते हैं, ट्रक सुना है कभी बैटरी ऑपरेटेड अभी, क्यों, वह हैवी लोड नहीं ले जा सकता, मोटर है, पता लगे मोटर ही काम करना बंद कर गई, कहते ये ले जा सकता है, प्रैक्टिकली तो बाद में देखेंगे, थ्योरी में तो हम पढ़ ही सकते हैं इतना, ऐसे में तो लिख लेंगे नंबर, हमें क्या चाहिए, हमें तो नंबर चाहिए एग्जाम में, या कुछ और चाहिए कि नहीं यूपीएससी को अच्छा लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे तो बाद में मिलेंगे। ये नुकसान है इंडियंस के लिए ना, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम $50,000, कोई ज़्यादा भी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, अगर पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो, कंडीशन वो होता है ना ऐसे लिखा होता है छोटे छोटे से स्टार बन के, कंडीशन अप्लाई कि अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है और आपको कंसर्न है, आपको फिक्र है एनवायरमेंट की, तो आपके लिए $50,000 इज नथिंग, और मैंने पहले ही बता दिया मनी इज जस्ट अ थॉट, और जब आपको ये समझ आ जाएगा फिर आपको कभी नहीं लगेगा। और देख लेना, न्यूज़ सुनते हो कभी, तो न्यूज़ में होता है ना कि अदरवाइज पर्सन उसने एक आर्ट खरीदी, नॉन फंजिबल जो आर्ट है, NFT जो आ रही है, कितने की, मुझे लगता है $1 बिलियन का उसने परचेज की, $1 बिलियन क्या करेगा उसका, वो पंजाबी में कहते हैं शौक का कोई मुल होता है, यस शौक का कोई मुल नहीं होता, क्योंकि पैसा कुछ नहीं होता। और ये बड़ा इशू है, कहते हैं हाईली इनफ्लेमेबल है, अगर कुछ हुआ सावधानी हटी घटी, और हम हिंदुस्तानी बहुत बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं हर चीज़ में, हमारे नोट्स बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है, जो हमारी कार्स हैं वो बहुत वेल मेंटेन रहती हैं, हम जब ड्राइव करते हैं बहुत केयरफुली ड्राइव करते हैं, रूल्स हम सारे फॉलो करते हैं, बाहर का पता नहीं, चंडीगढ़ में तो शुरू हो चुका है ये,
क्योंकि वॉयलेशंस के लिए चलान हो रहे हैं, है ना, क्योंकि चंडीगढ़ इज़ अ स्मार्ट सिटी है। वो कहते तुम स्मार्ट हो या ना हो, हम तो स्मार्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये इशू है, तो ऐसे भाई कि पेरेंट्स चला लेंगे, कहते बच्चों को नहीं देनी, ये तो और भी ज़्यादा केयरलेस होते हैं, है ना। हाँ, उनको दे दो बाइक, क्या होता है, एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये है जो इन्वेस्टमेंट है कि कार बनाएगा कौन, पहले तो खरीदने वाले परेशान हैं, क्योंकि जहाँ भी आप सोसाइटी देखेंगे, चाहे वो एंशियंट सोसाइटी थी, मिडिवल सोसाइटी थी इंडिया की, चाहे मॉडर्न सोसाइटी, चाहे आज की सोसाइटी ले लीजिए, एक थिन लाइन यहाँ होती है, रिच क्लास, द वेल्दी क्लास, एच एन आईज, ठीक है, और एक ये होती है द पुअर क्लास, ना इनको फर्क पड़ता है और इनको घंटा फर्क पड़ता है। इनके लिए पैसा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इनको पता है पैसा क्या है, जस्ट अ थॉट। हाँ, तो वो करते हैं, इनके लिए वैसे फर्क नहीं पड़ता, इनको नहीं फर्क पड़ता, इनको कहते हैं हाइड्रोजन कार का करना क्या, फर्क इनको पड़ता है, ठीक है। जो मिडिल क्लास है, अब इंडिया की पूरी हिस्ट्री उठा लीजिए, अगर किसी को फर्क पड़ा है तो मिडिल क्लास को पड़ा है। अगर इंडिया में कोई रेवोल्यूशन लेके आया तो मिडिल क्लास लाई थी, अगर किसी ने मूवमेंट स्टार्ट किया इंडिया में, रेवोल्यूशन आए, मिडिल क्लास लाई। अगर इंडिया में नेशनलिज्म आया, मिडिल क्लास ही। अगर इंडिया में एजुकेशन सबसे पहले किसी के पास आई है, जो क्लास राइज हुई है, वो जिसको कहते हैं वो बंगाल इंटेलिजेंस या कौन था, तो आज भी अगर कोई शोर मचाता है तो कौन है, मिडिल क्लास। वो ऐड किसके लिए आती टीवी में, मिडिल क्लास के लिए आती है। और मिडिल क्लास की प्रॉब्लम ये है, पहली बात वो तो कहती है हमें कार लेनी नहीं है, दूसरा जो बनाएगा इन्वेस्टर, स्टार्टअप कल्चर चल रहा है ना इंडिया में, जिसको स्टार्टअप बबल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बस्ट हो सकते हैं, इसको समझिएगा। स्टार्टअप कल्चर को बहुत अजीब सी चीज़ है ये, है ना। अब स्टार्टअप ऐसा है, इन्वेस्टर जो है वो रिस्क देखता है, रिस्क कितना है। इन्वेस्ट वो तब करेगा क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी, जो आपने प्रोसेस बताया, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल है सारा कुछ, है ना। आपको कन्वर्ट करना, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करनी है किसी चीज़ से, वो रखी थोड़ी जो आपने निकाल के ले आए। और आगे अगर सेल नहीं होगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, बिजनेसमैन पहले अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करता है, तो पहले वो देखता है रिटर्न्स क्या आएंगी, तब वो इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करेगा, उसको पता जब इंडियंस ने खरीदना ही नहीं है। सस्ती कार बनाइए, वो सेल होगी इंडिया में। ये एनवायरमेंट किसी ने सोचा अभी तक, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछा, आपने कहा ना 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 ना, एनवायरमेंट कुछ नहीं चाहिए, कन्वेंशनल कार चाहिए, कन्वेंशनल क्यों, हमें एनवायरमेंट की पड़ी नहीं है, अभी जब पड़ेगी तब सोचेंगे। तो इसलिए कार, अगर मान लीजिए आप खरीदना चाहते भी हैं, तो कितने लोग, बहुत कम होंगे, जब कार सेल नहीं होगी तो कंपनी क्या करेगी बना के, कंपनी नहीं बनेगी तो इन्वेस्टमेंट वैसी नहीं होगी। तो असली मुद्दे तो ये हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी अभी इनकी डिमांड अभी तक तो कम है। टेस्ला के अलावा कितनी कार्स आपने देखी हैं, और इंडिया में कितनी हैं, है ना, कितनी है इंडिया में, वो नाम सुनते हैं आप, मैंने भी नाम सुने हैं, और 10 साल पहले मैंने एक रेवा देखी थी, छोटी सी होती इतनी सी, 15,000 क्या किया, गाड़ियाँ बिके, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में कार ज़्यादा है ही नहीं, 2-3 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास कार नहीं है, तो 15-20 हज़ार से, तो मुझे पता है हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट की बात करेंगे, हमारा मुद्दा पहला कॉस्ट ही होगा, यहाँ पे पहला मुद्दा कॉस्ट आता है। हमने कभी सोचा एनवायरमेंट की, नहीं सोचते, हमने कुछ और सोचा एफिशिएंसी की, कॉस्ट जो प्रायोरिटी है, कॉस्ट के अलावा बात कीजिए, अब बात कीजिए, कॉस्ट अगर सोचे सरकार आपको देगी, अब कि फिर तुम सारे ही प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ऐसा ही है, दिस इज द जेन्युइन कॉज। हम इसलिए बात कर, मैं दोनों तरह की बातें करता हूं, वो इसलिए आपको बैलेंस अप्रोच रखनी, और प्रैक्टिकल है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद जो आज हम पढ़ रहे हैं थ्योरियां हैं, बुक्स में लिखा थ्योरी है, कल को थ्योरी काम नहीं आएगी, फिर लगता है कि किताबों में तो कुछ ऐसा पढ़ा करते थे,
लॉयर से पूछना, वो कहते लॉ तो कुछ और पढ़ा था, प्रैक्टिकली तो कुछ और चलता है ना, वो डायलॉग मैंने सुनाया आपको कि अच्छा वकील कौन होता है जो लॉ जानता है, और सबसे अच्छा वकील कौन होता है जो जज को जानता है, सो दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। वो कहते सिग्निफिकेंस किसका, वो जो गडकरी साहब लेके आए, गडकरी साहब लेके आए तो चार लोग और लेके आएंगे, अचीवमेंट यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, कि लोगों को पता लगे कि ऐसी कार आई है। और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है इंडिया में जो होगी जब आप किसी को समझाओगे, एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स बताओगे और 50 ईयर्स का फ्यूचर बताओगे, तब उसको लगेगा यार व्हाट रियली मैटर्स इज नॉट द मनी, इट इज़ द एनवायरनमेंट, है ना। फिर वो होगा ना अवेयरनेस, अगर प्रॉब्लम है इट इज़ अबाउट द अवेयरनेस ओनली। आप लोग चार चीज़ें पढ़ चुके, चार क्लास पास हैं आप लोग, है ना, तो आपको शायद थोड़ी सी नॉलेज है, मुझे लगता है आपको भी उतनी नहीं है। व्हाट अबाउट अदर जिन्होंने चार भी नहीं पढ़ी हैं, आप लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, है ना, फिर उनका क्या हाल है जो तैयारी नहीं करते। आप लोग तैयारी करते तब इतना पता है आपको, तो अवेयरनेस कहाँ से आएगा। एक ये है कि जब हम बात करते हैं ना, इंडिया में एनर्जी डेफिसिट है, हमारे पास अभी उतना नहीं है कि हम कहें कि जितनी रिक्वायरमेंट है हमें एनर्जी की हम खुद जनरेट कर पाते हैं, नो। कैसे, इवन आप फॉसिल फ्यूल के ले लीजिए, हमारा जो फॉसिल फ्यूल है उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है, क्योंकि गेड़ियां सभी को आनी है, तो उस वजह से क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंट नहीं है। अगर सेल्फ रिलायंट बनना है तो दो काम करने पड़ेंगे, या तो आप ये बैन लगा दीजिए गाड़ियों पे, बैन लगा दीजिए कोई नहीं चलाएगा, कि इतनी रिटर्न फाइल करता हो, इतनी एज हो या इतनी एजुकेशन हो, वही चलाएगा, जो कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी वो एक कार चलाएगा या बाइक चला सकता है, है ना, इतने बड़े जाओगे तो ये कार चला सकते हो, या तो ऐसी पॉलिसी बनाइए। अगर वो नहीं है तो आप सेल्फ रिलायंट नहीं हो सकते हो, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उसमें एक बहुत बड़ा जो शेयर है वो फ्यूल का है, मिनरल ऑयल का, जो हम प्रोड्यूस उतना नहीं कर पाते, हमारी जो डिमांड है मेजॉरिटी वो बाहर से पूरी होती है, तो हम वी आर नॉट सेल्फ रिलायंट, और ये डिमांड जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर साल बच्चे कॉलेज जाना शुरू करते हैं नए नए, सभी को क्या चाहिए, बाइक तो फिर चाहिए, बाइक स्कूटी तो चाहिए, तो हर साल जो डिमांड है वो बढ़ रही है। या बता दीजिए हर साल कोई ना कोई नई नई बिकती हैं, ये कारें भी नहीं जाती हैं और रोज आपको दिखती है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, जितनी जो कार्स हैं या व्हीकल्स जितने भी रोड पे हर साल आ रहे हैं उतनी ही डिमांड इंक्रीज हो रही है, जनरेट कर रहे हैं आप डिमांड को, क्योंकि मुझे लगता है फ्यूल के बिना वो चलेंगे भी नहीं। या आप ऐसे करते हैं कि वीक में एक दिन चलाएंगे, ऐसा तो नहीं है, है ना, वो तो ये लगता है कि घर वाले एक बार इधर उधर जाए हम लेके निकल लेंगे, ठीक है। जीरो इमिशन सोल्यूशन है, हमें हमें उसकी चिंता है, हमें मतलब सरकार को, आपको नहीं है, सरकार को चिंता है। किस चीज़ की, क्यों चिंता है, वो बाहर बड़े कमिटमेंट करके आते हैं, वो पेरिस पुरिस जाते हैं ना, तो वहाँ पे मीटिंग होती है तो हम कह देते सर हम भी कितना कम करेंगे, 2030 तक कितना कम कर देंगे, 2050 तक हमने क्या करें, जीरो इमिशन, कुछ ऐसा हमने वो कहा था कि COP में जाके हम ऐसा ऐसा बोला है जाके, अब बोला है तो यहाँ पे कुछ भी कर तो लो, करना तो पड़ेगा ना। तो ये एक होप है आपके लिए कि जो आपने कमिटमेंट्स किए हैं, या ऐसे कह लिए कमिटमेंट किसने किया था, पुराने लीडर ने किया, हमें क्या पता, है ना, हमें क्या लेना देना, वो इंडिया के बिहाफ पे कमिटमेंट किया, मीन्स वो इंडिया का कमिटमेंट है, तो फुलफिल तभी होगा जब आप उस चीज़ के लिए काम करेंगे। तो जीरो इमिशन जो है उसकी तरफ जाया जा सकता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये सारी चीज़ें, और रीन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या रीन्यूएबल है, आप ले सकते हैं जितना मर्जी, है ना, तो वो बेटर है आपके लिए क्योंकि बायोमास से निकाल रहे हैं। अभी अभी क्या स्टेटस है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, बहुत हैं, 3% से कम है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कितने हैं करीब, आठ लाख के करीब आप कह सकते हैं इतने रजिस्टर हुए हैं, बहुत हैं, 3 करोड़ में से 8 लाख जो हमारे पास हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी, हाँ हम भी तो वही बात करें कि स्टेटस अभी तक हमने क्या अचीव किया, वो इशू है, वे क्यों नहीं है वो बाद में आएगा, वे स्टेटस क्या है, अभी ये स्टेटस है हमारे पास। और जो चार्जिंग स्टेशन है वो सिर्फ 18
100 हैं, इतनी सारे व्हीकल्स हैं, चार्जिंग स्टेशन, मुझे लगता है ऐसा है, ये चार्जिंग स्टेशन पब्लिक होंगे, लोगों के घर में भी तो खुद भी चार्ज करते होंगे, सारे थोड़ी बाहर आएंगे चार्ज करने को। हाँ बोलिए। वो तो मैं पहली बात कर चुका हूँ, हमारे पास तो पावर कट लगते हैं और वैसे ही फ्यूल नहीं है, है ना। तो क्या किया जाना चाहिए, चलिए पहले उसी पे बात करते हैं। हाँ क्या किया जाना चाहिए, सॉरी हाँ हाँ, जो एनर्जी है आप उसको इंक्रीज करें पॉपुलेशन को। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, हाँ दिस इज गुड। नहीं देखिए, अरे अच्छा है, दिस इज समथिंग वी कैन डिस्कस, फाइन। पॉपुलेशन डिक्रीज कैसे करेंगे, स्टेबल होने में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्रीज हो जाए, वो तो हमारी पहली काम है, हम तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कौन बोला, हाँ जो अभी हमने बात की थी उस दिन, मुझे याद है क्लास में उधर उस रूम में, कि जब वो पॉलिसी असेसमेंट आया था उसका, वो हमने उस रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो डिक्रीज स्टेबल कर सकती है, मुझे कंफ्यूजन है उस पर, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन जो बेस है ना इंडिया का वो बहुत वास्ट है। हाँ अब आप बोलिए, रेट कार चोरी ज्यादा होगी कि सोलर पैनल, आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि जो सोलर पैनल लगे हैं, हमने चार्जिंग पे वहां पे कार लगा दी, तो क्या चोरी होगा, सोलर पैनल या कार। वो तो देखिए आज भी होती है, चोरी तो एक मुद्दा अलग है। हम मान लेते हैं वी पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, इंडियंस जो हैं डिसेंट लोग हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं हम। चोरी कोई नहीं करता है, किसी को जरूरत होती है वो ले जाता है बस उठा के। हाँ कोई नहीं बिलीव करता इंडिया में, तो देखो बहुत अच्छा है, लोग जो बहुत अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, डिसेंट हैं, वो किसी की मजबूरी होती होगी वो हम ऐसा समझ लेंगे। तो उस पे अभी मत जाइए, है ना, वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन बाद में देखेंगे, वो पुलिस है उसके लिए हमारे पास। अगर आप कहेंगे चोरी होती है, इसका मतलब आप पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं कि पुलिस हमारी इफ़िशेंट नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इफ़िशेंट नहीं है, उसका मतलब जो सिविल सर्वेंट हैं वो IAS बन के गए हैं, IPS बन के गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, मतलब हम जो बनने वाले हैं, है ना। हाँ ऐसे UPSC में ऐसे सोचना ही नहीं हमने, वो साइड में बाद में बातें कर सकते हैं, छोटा छोटा नीचे लास्ट में लिख सकते हैं ना, एक एक वर्ड बस। तो ये तो देखिए बहुत मुश्किल है, हम कोशिश कर रहे हैं एनर्जी इंक्रीज करने की, वही हम बात कर रहे हैं। एनर्जी आप कैसे करेंगे, आप कंजम्पशन कंट्रोल करने की बात कर सकते हैं, अल्टरनेट ढूंढने की बात कर सकते हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल क्या हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है आपके पास, क्योंकि पहले फ्यूल जो था कोल था, है ना, फिर ये आ गया पेट्रोलियम वगैरह, ये आ गए तो डाइवर्सिफाई हो गया, तो हमारी डिमांड कुछ कुछ पूरे होने लगी। अब न्यूक्लियर भी आ गया, उससे क्या हो रहा है, आप डिमांड फुलफिल कर पा रहे हैं, अगर सिर्फ एक ही सोर्स है आपके पास तो पॉसिबल ही नहीं, तो अल्टरनेटिव तो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये जरूरी है। अदरवाइज डिमांड तो रोज बढ़ रही है, डिमांड तो कभी कम नहीं हो, क्योंकि इंडस्ट्री की अपनी डिमांड है और वो आप ठीक है, अगर ये है तो डोमेस्टिक डिमांड अलग है, तभी आप देख लीजिए पंजाब में तो बहुत कम है, उत्तर प्रदेश की तरफ चले जाइए, यहाँ पे कभी कभी पावर कट लगता है, वहाँ पे कभी कभी लाइट आती है, ऐसा है। और डिपेंड करता है वो किस पे, डिमांड पे, क्योंकि डिमांड जो है वो फ्लक्चुएट करती है, समर्स में मुझे लगता है डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो पावर कट भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी कि पावर अपने स्टोर करके रख ली और बाद में थोड़ी थोड़ी सी देते रहे, है ना, सोचा जा सकता है वैसे स्टोर कर लो तो, चलिए जो भी है। और हमने इसमें ग्रोथ रेट शो की है कि 133% ग्रोथ रेट हमने शो किया 2015 से लेकर अब तक, सुनने में बहुत अच्छा लगता है,
अगर सिर्फ डाटा बताना हो, बहुत हमने बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, पर नंबर से कुछ नहीं, दिस इज नेग्लिजिबल। अभी तक क्या किया है? कुछ नहीं किया है। पिछले साल की बात करें तो कुछ ज़्यादा सेल हुई है, 1.3% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे कंट्री में। सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो इतना हम बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर शोर मच रहा है, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मीन्स जीरो इमिशन, ऑलमोस्ट जीरो इमिशन। जीरो इमिशन अगर यहाँ पे आप सपोज कीजिए 50% आज नहीं, अगर 50% अगले 10 सालों में आप क्या कर पाते, रिप्लेस कर पाते कन्वेंशनल व्हीकल्स विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो मुझे लगता है कुछ एक परसेंटेज आप क्या कर सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका इमिशन डिक्रीज कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये अगर एक सिटी पूरे इंडिया पे ले जाइए तो क्या होगा, रिलेटिवली आप क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस डिक्रीज करेंगे। फिर जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप कह सकते हैं कि इतने परसेंट हमने कम किया है और जो हमारा कमिटमेंट है वो हम करके दिखाएंगे, तब पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग इसी से जुड़ी है हेल्थ। अब बेनिफिट गिना रहा हूँ ना, अब आप लोगों को पोल्यूशन होगा तो आप जॉगिंग कहाँ करने जाओगे, है ना, आपको लंग इन्फेक्शन होगा, आपको एलर्जी होगी, है ना, आपको स्किन टैनिंग कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी आपको क्रीम लेनी पड़ेगी, डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा, बीमार हो जाओगे। पोल्यूशन कम होगा तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, है ना, बाहर पोल्यूशन कम होगा आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, तो ये चीज़। तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी, अगर हम इस पे डिपेंडेंसी बढ़ाते हैं यानी कि इस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे रिड्यूस होगी, जो बाहर से बिल आता है या दूसरे जो सोर्सेज हैं हमारी डिपेंडेंसी कम होगी उस पे, तो एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ हम जा सकते हैं, दिस इज अदर थिंग। एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियस है, अगर उसके प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री है तो एम्प्लॉयमेंट भी होगी, डिमांड है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन है बढ़ती है तो लेबर की डिमांड बढ़ती है, कैपिटल की डिमांड बढ़ती है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको पुश मिलता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट है सारा कुछ ऊपर जा रहा है, तो आपकी जो इकोनॉमी है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, जब जीडीपी ऊपर जाती है यानी कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इम्प्रूव हो रही है, और क्या चाहिए आपको, इतने तो बेनिफिट हैं और आपको पता ही नहीं था, आपने सीधा कह दिया नहीं नहीं हमें तो बुलेट ही चाहिए, है ना, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड के साथ भी जोड़ देंगे, जोड़ सकते हैं इकोनॉमी वाले जोड़ सकते हैं, बाकी कह देंगे हमें नहीं पता। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है हमारा, नेगेटिव ही नेगेटिव दिखता है मुझे तो, पॉजिटिव कभी हुआ करता था, कब, इंडिपेंडेंस से पहले कभी होगा, है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, अच्छा अच्छा मैं इतना नहीं देखता कोविड के टाइम पे, हाँ कुछ खरीदोगे नहीं बाहर से तो क्या होगा, फिर ऐसे ही होगा कि जो इंपोर्ट है हमारा और एक्सपोर्ट है वो कुछ ऐसे है, मतलब हमारे पास बाहर सेल करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता, परचेज करने के लिए बहुत कुछ है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, तो उसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, लॉस क्या है हमारा, जब आपको बाहर से इंपोर्ट करना है यू नीड डॉलर, इनको तो डॉलर ही देने पड़ेंगे ना, चाइना को डॉलर दोगे पैसे तो वो, उनको गांधी जी के नोट नहीं भाते भाई, यूरोपियंस को नहीं भाते, उनको उनके अपने गांधी जी होंगे, है ना, हाँ, और आपको डॉलर देने हैं, बदले में उसे अगर डॉलर लेने हैं आपके पास कुछ है नहीं देने के लिए, तो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पर है, जो बैलेंस है ट्रेड का वो नेगेटिव रहता है, तो इंडिया जो एक्सटर्नल डेट है उस पे फर्क पड़ता है, हमारा जो एक्सटर्नल डेट है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कितना होगा आइडिया लगाओ, आइडिया लगाओ, आइडिया, हाँ 90 बिलियन डॉलर, एक 600 बिलियन डॉलर, ठीक ठीक लगाई जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि 10 साल पहले मैंने पढ़ा था 300 बिलियन डॉलर, अभी मुझे लगता है 600 से ज़्यादा हो चुका है, 600 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होगा। फॉरेक्स तो नहीं है, एक्सटर्नल डेट है मुझे लगता है, चेक करना, मुझे भी कौन सा ज़्यादा पता होता है, मैंने कौन सा इकोनॉमी पढ़ी है, हम ऐसे कह सकते हैं, है ना, इतना ही होगा वैसे, ठीक है। तो और कितने फायदे गिनाऊं मैं तुम्हें, एक पूरा ऐसे लिख दोगे उस पर, अब क्वेश्चन में इकोनॉमी थोड़ा आएगी, यहाँ मैंने इकोनॉमी भी डाल दी, मैंने हेल्थ भी डाल दिया, ज्योग्राफी भी डाल दी उसमें,
है ना, सारा कुछ तो डाल दिया, सोसाइटी भी डालनी है क्या? ऐसे पूरा लिख जाएगा, सारा घुमाया करो कि इंडिया की ज्योग्राफी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया की पॉलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, पड़ेगा इंडिया की पॉलिटी पे, पड़ेगा ना, कैसे पड़ेगा, इस सब का इंडिया की पॉलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा। यहां नहीं लिखा, ये मैंने मन में आया तो मैंने बोल दिया, अब आपको सोचिए। अजीब अजीब से ऐसी डिस्कशन करनी होती है, हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में फिर ऐसे ही होता है। वहां ये थोड़ी कहोगे सर मैंने इतना सोचा ही नहीं कभी, क्या कहते हो, सॉरी नो कमेंट्स, नहीं, हाँ, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है इंडिया की पॉलिटी पे? बोलो, आप लोग तो बोलते हैं, मुझे पता है, वो पीसीएस वाले होते हैं, वो नहीं बोलते क्लास में, पता नहीं उनको क्या शर्म आती है शायद उनको, हाँ आप लोग तो बोलते हैं, बोलिए, इंडिया की पॉलिटी पे यहाँ नहीं लिखा है ना, एक आस्पेक्ट वो भी सही, क्या फर्क पड़ सकता है, बहुत डीप सोचना पड़ेगा आपको। पॉलिसी लाना तो बहुत आसान है, चलो फिर मैं उसको क्रिटिकल इवैल्यूएशन साथ में कर लेता हूँ, और ले आती है और गवर्नमेंट कह देती है क्या कि आज के बाद डीजल का सारी बंद है और आपने ये खरीदनी है, तो लोग कहेंगे अगली बार तो यही वोट नहीं देंगे। थ्योरी में तो आपने कह दिया गवर्नमेंट बहुत कॉम्पिटेंट है, लोग ऐसे नहीं हैं, लोग ऐसे नहीं देखते सरकार को, गवर्नमेंट बहुत कॉम्पिटेंट है, वो कहते हमारी तो कार बंद करा दी ना, नहीं, हाँ, ये मेरा बेनिफिट क्या है, मैं दूसरा तब देखूंगा ना। अच्छा, और वैसे मैं बता चुका हूँ अभी सेशन में, जब मैं डिस्कशन सुबह से अभी तक कर रहा हूँ ना, मैं बता चुका हूँ, ढूंढिए। आप क्या कहना चाहते हैं, अभी नहीं कमिटेड है? पार्डन, क्लोजर टुवर्ड द, वन स्टेप क्लोजर टुवर्ड द गोल्स, अच्छा चलो मान लेते हैं, और तो उससे क्या फर्क पड़ता, पॉलिटी में क्या फर्क पड़ा? फॉरेन पॉलिसी में चेंज, एक मिनट, क्या चेंज लाना पड़ेगा? तो पॉलिटी पे क्या असर पड़ा? वो इकोनॉमी पे आ जाएगा, एफडीआई अगर चलेगी तो, एफडीआई, हाँ बाप बोलिए, तो नाल इंडिया की पॉलिटी से की फर्क पड़ेगा? अच्छा, एवं होंगे, ओके, मैं तो ही लगता भी आ की होया पंजाब च, नहीं तो लोग तो, तुम तो ऐसे ना थे, नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा है, इंडिया की जो इमेज है मैंने आपको पहले बताया वो इम्प्रूव होगी, पॉलिटिकल इमेज, और एक कंपटीशन होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे चले जाइए, कि अगर एक पर्सन कुछ करता है दूसरे को देख के जेलस फील होता ही होता है, अगर आप में से किसी ने एक एग्जाम पास किया, चार उसके जो दोस्त होंगे वो जेलस फील करेंगे, इसका तो हो गया, नहीं गर्ल्स ज्यादा करती हैं, और अगले दिन से उनके एफर्ट्स डबल हो जाते हैं, ठीक है, या बूस्ट मिलता है कि इसने किया है, पॉसिबल है, हमें भी करना चाहिए, और जो करता है उसकी रिस्पेक्ट कुछ ज्यादा हो जाती है, जिसका प्रीवी पास होता है ना, जिसका प्रीवी पास हो जाता है उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं लोग, है ना, और जिसका मेंस पास हो जाता है उसकी हवा खराब हुई होती है, वैसे प्री वाले की भी हुई होती है। अब यहां पे लीजिए, अगर इंडिया करता है इस चीज को, मैंने पहले बताया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी कि नहीं होगी? हाँ, इंडिया क्या हो सकता है, एक वर्ल्ड लीडर हो सकता है इन जो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, फिर वो कंट्रीज को बताएगा कि तुमने क्या किया, हमने किया, अब हम लीड करेंगे और हम बताएंगे कि वर्ल्ड में कैसे क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, है ना, सॉरी, ना थियोरेटिकल, मैं तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ना वो एनवायरनमेंट के लिए नहीं देंगे हमें, वो एनवायरनमेंट के लिए नहीं देंगे, बस ये है कि हमारी जो इमेज है वो अच्छी हो सकती है, कि
बाकी कंट्री कोई ऐसा नहीं है जो कमिटमेंट पूरी कर रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेस को डिक्रीज कर रहा है। उल्टा क्या कर रहे हैं वो लोग, वो ब्लेम गेम चल रहा है अभी वर्ल्ड लेवल पे कि वी आर द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, तो दिस इज द नीड ऑफ द आर कि आप अपनी इंडस्ट्री जो है उसको बंद नहीं कर सकते, और जहां इंडस्ट्री चलेगी जितनी उतनी ग्रीन हाउस गैसेस जो है इमिट होंगी होंगी। ग्रीन हाउसेस गैसेस, हमारी इंडस्ट्री रिलेटिवली मुझे लगता है छोटी होगी इन कंपैरिजन विद द इंडस्ट्री ऑफ यूएसए, चाइना, मुझे लगता है उनकी इंडस्ट्री हमसे थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि उनकी इकोनॉमी हमसे थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी तो बड़ी है ना, हाँ, चाहे पॉपुलेशन कम है पर उनकी इकोनॉमी बड़ी है, तो उस तरह से फर्क पड़ेगा। अब सोसाइटी की बताने की मुझे जरूरत नहीं है, वो आप लोग ऐसे समझदार हैं, तो आपने सोसाइटी पॉलिटिक और इकोनॉमी है ना तो सारा तो कर लिया, और ये हो जाएगा तो इंडिया की हिस्ट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा, बहुत कुछ है। चलिए उसके आगे कुछ है, ओके, चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस तो वही है, सबसे पहला क्या है, पहले लोग मोबाइल के चार्जर ढूंढते फिरते थे, पहले बता दिया मैंने, मैंने देखा स्टूडेंट सेंटर पे भी, मैंने देखा बस स्टैंड पे भी लोगों को चार्जिंग स्टेशन, और गवर्नमेंट ने फिर लगाने शुरू किए मोबाइल के भी, और लोग एक दूसरे से पूछते हैं आपके पास वो चार्जर है नोकिया का, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका भी अभी है, और दिस इज ट्रूथ। आप क्यों लेंगे, जब आप देखो हमने पहले बात की कि यहाँ पे चंडीगढ़ में कितने चार्जिंग स्टेशन है, चंडीगढ़ में कितने हैं, चंडीगढ़ तो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में कितने हैं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखे, एक आध कोई होगा तो होगा, हाँ वो अभी मुझे नहीं लगता फंक्शन से हैं, अब मैं बता रहा हूँ, मैं उतने तो हुए, मैंने भी देखा हुआ है वो लेके पास जो है, हाँ पता है वो तो है ना, तो वो क्या दो पॉइंट अभी है थोड़ी, कोई बेचारा वहाँ से 20 किलोमीटर से जाएगा चार्जिंग करने, नहीं कि जाएंगे कि नया गांव में कोई रहता है पीजे में के रहता है इलांटे जाएगा चार्जिंग के लिए कार लेके, तो अभी जब चंडीगढ़ में नहीं है, व्हाट अबाउट इंटीरियर द रूरल एरियाज, तो रूरल एरिया में ये नहीं जा सकता, तो ये प्रॉब्लम है। पॉलिसी चैलेंज, अरे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी कि इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ तो पहले ही प्रॉब्लम ये है कि सेल नहीं है, मार्केटिंग नहीं है प्रॉपर, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, पॉलिसी आप कैसे लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पॉलिसी लेके आनी है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो आपको दूसरी जो चीज़ें हैं फॉर एग्जाम्पल डीजल, आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्करेज करना पड़ेगा, और आप कैसे डिस्करेज करेंगे, अगर आप वो डिस्करेज करते हैं इसका मतलब आप पूरी एक इंडस्ट्री को डिस्करेज कर रहे हैं, और लोगों को नाराज करें कि हमारी गाड़ी बंद कर दी इसने डीजल वाली, सरकार ने कह दिया कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यू नहीं होगी, अब आप मेरी वोट तो पक्का कैंसिल, इसको नहीं देनी, प्रॉब्लम है। तो पॉलिसी बनाना इजी नहीं होता, इंप्लीमेंट करना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है, बनाना भी आसान नहीं होता। इंजीनियर तो बहुत है हमारे पास, डिग्री वाले इंजीनियर बहुत है हमारे पास डिग्री वाले, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, यानी कि उस इंजीनियर के पास भी टेक्नोलॉजी, उसने थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ा होता है, थ्योरी में वो सब कुछ बना देगा, पर टेक्नोलॉजी अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में उतनी नहीं है, और स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ पे तो लेबर भी शायद उतनी नहीं है, तो स्किल्ड लेबर की तो क्या बात करेंगे, और स्किल्ड लेबर एक ऐसी चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में पता है, शायद हमने पहले क्लासेस में बात किया है ये, और इसलिए गवर्नमेंट ने एक मिशन चलाया हुआ है, क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, क्यों वो कहते हैं इनको स्किल दो किसी काम में तो लगेंगे, अदरवाइज टिकटॉक पे वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर स्किल होगी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट खुद कर लेंगे, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे और लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं, अदरवाइज दे डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट और सम अदर एजेंसी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, और जब वो नहीं होगा फिर क्या होता है, या तो धरने लगते हैं, अगर चार क्लास पढ़ ली हैं, अगर चार क्लासें नहीं पढ़ी हैं फिर पता नहीं क्या होता है ना, फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो जो यूथ है वो वेस्ट हो रहा है, हमारा जो टर्म है डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो वेस्ट हो रहा है ना? तो आपके पास ये चीजों की कमी है। सर,
मैं अभी तो ना, हाँ बिल्कुल आप ठीक करें, पर मैं अभी लेमन के टर्म में बात कर रहा हूँ, वो साइंस में जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। गर्मी बहुत होती है लगता है इसलिए, है ना। यहाँ तो लोग भी बस्ट होने लगते हैं गर्मी में, तो कार तो हो ही सकती है। अच्छा, आई डोंट नो। 40 मिनट हाँ, फिर महंगे पे आ गए। जगह कितनी चाहिए हमें? आप अगर 2 से 3 करोड़ अगर पेट्रोल करते हैं, 50-60 लाख का ये करेंगे यूएस और उसके तो मतलब कि ठीक है, हद से ज़्यादा है, उनके पास लैंड एरिया भी काफ़ी है। हम इंडिया में कैसे करेंगे अगर हम जैसे पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हमारी जो डेंसिटी इतनी ज़्यादा है? ऑलराइट, कैसे सस्टेन करेंगे? ऑलराइट, तो आप कहना चाहते हैं हमारे लिए फिजिबल नहीं है, मुश्किल है बहुत। हम मतलब वही बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब पंजाबी जी कहते हैं नन्ना पाना इन्हें, है ना। ठीक है, बट ऐसा जब सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, ये आइडियाज रखिए पर बैलेंस व्यू के साथ। सॉरी, हाँ दोनों दोनों पॉजिटिव भी, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचेंगे तो थोड़ा सा ना यूपीएससी बुरा मान जाती है। हाँ हाँ ठीक है। और जो इसके लिए मटेरियल चाहिए वो हमारे पास नहीं है, वो लिथियम कोबाल्ट कोबाल्ट, और शायद हमने एक बार पढ़ा था ज्योग्राफी में लिथियम ट्रायंगल, वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ पे है, इसीलिए वो कहते हैं अगले कुछ सालों में ऐसा उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए बैटरी बनाने के जो मटेरियल चाहिए उनके पास ज़्यादा है, हमारे पास नहीं है। जब आपके पास नहीं है तो बैटरी कहाँ से बना लोगे? चाइना से तो मंगाने से रहे, है ना। तो ये प्रैक्टिकल इशूज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो जो प्रॉब्लम होगी तो इसीलिए अभी टाइम लगेगा। क्या करना चाहिए? टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस वो कीजिए, कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, लोगों को समझाइए, एजुकेशन दीजिए, भाई एनवायरनमेंट बचाना बहुत ज़रूरी है, एनवायरनमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, टॉर भी बन जूगी, है ना, पर एनवायरनमेंट, क्योंकि ये सेंसिटाइज करना पड़ेगा, अवेयरनेस। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आपको इंडिया में सक्सेसफुल बनाना है, किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। आप कोई भी ऐसी पॉलिसी बना के इम्पोज नहीं कर सकते अगर लोग नहीं फॉलो करेंगे, इट्स ऑफ नो यूज़। और लोग कब फॉलो करेंगे? जब उनको वो चीज़ समझ में आएगी। इंडिया को ना, इंडियंस को एक बार समझा दो, चाहे वो गलत हो, वो पूरे दिल से उसको फॉलो करते हैं। फिर करके देख लेना, ऐसे कुछ भी है चाहे वो गलत भी है ना, जो लोग समझाना जानते हैं वो जानते हैं, और जाए इसलिए बाबे जार दे, है ना, ये दे कैन मेक यू अंडरस्टैंड। हाँ तो ये चीज़ है, तो बिना अब देख लीजिए, एनवायरनमेंट है लाइक प्लांटेशन ऑफ ट्रीज है, अगर पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा तो ज़्यादा आप ट्री प्लांट कर सकते हैं, गवर्नमेंट अकेली कुछ नहीं कर सकती। अगर सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी तो मुझे लगता है एक दिन में ज़्यादा प्लांटेशन आप कर सकते हैं, रादर देन कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उसने हायर किए एम्प्लॉयज़ किस चीज़ के लिए लोग हायर किए कि वो प्लांटेशन करेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने भी मूवमेंट रहे हैं, जितने भी पॉलिसी, जब तक पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। और पीपल्स पार्टिसिपेशन जहाँ पे भी है वो कहीं भी देख लीजिएगा। इसलिए एक चीज़ देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन दो कंपेयर कर लीजिए, एक किसी बाबा जी का डेरा है, कंपेयर करेंगे ना। हाँ गुस्सा मत करना, मैं कंपेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि पता नहीं लगता कौन कहाँ पे कैसा है। यस, लेट अस से दिस इज डिपार्टमेंट, या आप ले लीजिए कॉलेज ही है, ये ठीक है कॉलेज में तो है ना सारा ऐसे है, और ये बस ठीक है। यहाँ पे जो लोग हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, देयर क्लास, देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर जेंडर, सिंसियरली, है ना, ऑनेस्टली वो सारे काम करते हैं जो उनसे कहा जाता है। उनसे बोल दीजिए यहाँ पे सफाई करनी है, सारे दिल से सफाई करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम करो, वो कहेगा पहले मैं। सेवा करनी है कि जूतियाँ संभालनी है, पहले मैं, और वो क्या प्राउड फील करते हैं कि मैंने आज ये किया,
मैंने इतने लोगों की सेवा की, वहां पे कोई जेलसी फैक्टर नहीं है उनके अंदर होता, वहां पे पहले आप है, खाना पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा, अब यहां पे आ जाइए, ठीक है। कि अगर अथॉरिटीज ने कहा, अरे चंडीगढ़ में कह लीजिए कि कोई सिग्नल जंप नहीं करेगा, रुकता है, और वहां मैंने ऐसे देखा वो खड़े होते हैं, इधर इधर पार्क कीजिए प्लीज। तो ये क्या हो रहा है, वही पर्सन यहां पे है, वही पर्सन यहां पे है, उनकी साइकोलॉजी यहां पे कुछ और है, यहां पे कुछ और, यहां पे पीपल्स पार्टिसिपेशन है और सिंसियर पार्टिसिपेशन है, वहां पे है वही लोग हैं, क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। इसका मतलब या तो उनमें कहीं यहां प्रॉब्लम है, उनकी साइकोलॉजी में कहीं तो प्रॉब्लम है, कि यहां पे कुछ और है वहां पे कुछ और है। तो जब तक वो पार्टिसिपेशन ये वाला यहां नहीं आएगा, कुछ भी उठा लेना, कुछ इंडिया में कामयाब नहीं होने वाला, चाहे वो ये है या वो है। पार्डन, वो तो फिर लीडर कर लेते नहीं इलेक्शन वेले, हाँ उनको पता है, वो गांधी जी से इंस्पायर है कि गांधी जी न्यू द पावर ऑफ मासेस, मासेस कैन डू वंडर्स। अगर इलेक्शन आए तो कौन जिताएगा, मासेस जिताती है ना, वो रिच क्लास जिताती है ना कोई और जिताता है, वहां तो मासेस जिताती हैं। तो मासेस जहां चली गई, अभी क्या हुआ, मासेस। सो यू मस्ट नो द पावर ऑफ पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज पावर लाइज विद द मासेस। सब लिंक कर लो ना, आपको घूम फिर के वही लगेगा। तो ये चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिखी है प्रीएम्बल में, और आज अभी तक आपको समझ नहीं आई, चाहे आपने पॉलिटी पढ़ भी ली होगी, है ना। और प्रीएम्बल मुझे लगता है बचपन में जितनी भी स्कूल की क्लासेस बुक्स थी सब में होता है पहले पेज पे, इसको मैं ऐसे छोड़ देते हैं, आगे चलो, ऐसे ही है। अगर तभी समझ लेते हो सकता अभी तक तो आपका प्री भी निकल चुका होता। दिस इज अ फैक्ट, हाँ ऐसा है। ये क्या करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट को ही हेल्प करनी पड़ेगी, कॉस्ट ज्यादा है, सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी दीजिए फिर लोग खुश हो जाते हैं कि आप 1 करोड़ का प्लांट है 50 लाख सरकार दे देगी 50, तो आपको लगेगा चलो मेरा कुछ हेल्प हो रही है, इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो जाएगी, फिर लोगों को लगता है और कुछ नहीं तो चलो कुछ तो आएगा, अपना कैपिटल जो है कम लगेगी। तो जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी सेक्टर को तब तक पॉसिबल नहीं, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए नंबर वन, दूसरा पब्लिक में अवेयरनेस होनी चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, बाकी तो अलग है कि स्किल्ड लेबर चाहिए आपका, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो मुझे लगता है बाहर से मांग लेंगे, हमारे पास क्या था, हमने सब कॉपी तो बाहर से किया है, और हम चीज़ कॉपी करने में भी यार एक्सपर्ट, और होना भी चाहिए आई बिलीव, कॉपी कीजिए बट क्या स्किल, और कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस स्किल कॉपी कीजिए, वो कहीं भी मिले, कहीं भी मिले कॉपी कर ले, चाहे वो राइटिंग स्किल है, है ना, चाहे वो वॉकिंग स्किल है, चाहे वो लाफिंग स्किल है, कुछ भी हो सकता है, स्किल कॉपी कीजिए, फाइन, बहुत है इसके लिए, बहुत है इशू के लिए, इतना बहुत है। बाकी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप, क्योंकि सत्संग तो इतना ही था आज का ना। हाँ बहुत मुश्किल है, आई नो दिस इज वेरी डिफिकल्ट समझना, इसको करना प्रोसेस, क्योंकि चीज़ें ऐसी इतनी मुश्किल, हम क्या करें, स्कूल में तो हम नहीं पढ़ते, कॉलेज में नहीं पढ़ते ये चीज़ें। 2-3 इशू और थे, क्या न्यूज़ थी वो हम देख लेते हैं, क्या न्यूज़ है इस वीक की। एक तो ये था, इंडिया में ना पहला एक रोड बनाया, कौन सा, स्टील स्लैग का, गुजरात में बना है, बस इसमें समझने वाला क्या है, पहला तो फैक्ट है कि स्टील स्लैग क्या है और रोड कहाँ बना है। हम क्यों बात कर रहे हैं स्टील स्लैग की, अभी जो रोड बनते कौन से बनते हैं, बिटुमिनस वाले बनाते हैं, फिर कौन से बनने लगे, वो कॉन्क्रीट वाले बनाते हैं। कॉन्क्रीट का और बिटुमिनस का थोड़ा सा फर्क है, कंपेयर करेंगे थोड़ा सा दोनों को। इंजीनियर कौन कौन है यहाँ पे, एक, बाकी चुप करके मना कर देंगे, हम नहीं बोलेंगे। चलो लेमेन कौन कौन है यहाँ पे, लेमेन की तरह कंपेयर कीजिए, बिटुमिनस रोड और कॉन्क्रीट रोड। चंडीगढ़ में भी दोनों हैं, कहाँ पे है चंडीगढ़ में कॉन्क्रीट वाला है, अरे वो
मेडिकल कॉलेज है ना 32 का, उसके साथ वाला जो रोड है कंक्रीट का है। हाँ छोटा जा ही है। हाँ और वैसे जो पंजाब में जितने रोड्स बने थे ना नए, जितने भी बने थे हाईवेज, वो सारे कंक्रीट के बनाए गए थे, बाद में उस पर मिटोमिनस डाला गया। और जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सपे हमने डिस्कस किया था पहले, वो सारा कंक्रीट का है। क्यों कंक्रीट के बनाए गए हैं? अरे उस पर अगर हमें अपना जो फाइटर प्लेन है ना वो भी लैंड करने पड़ सकते हैं, वो भी किए उन्होंने। हाँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर डिफेंस आपको अच्छी बनानी है तो ऐसा होना चाहिए आपके प्लेन कहीं भी लैंड कर सके, जो इन पे पॉसिबल नहीं है। कंपेयर कीजिए थोड़ा सा, नहीं नहीं बेनिफिट की बात कर रहे हैं। हाँ देखो हमें क्या देखना है, इंडियंस को फायदा देखते हैं पहले, यही होता ना कि नहीं देखते हम। हाँ कुछ ऐसा सुनने में आता है नंबर वन। दूसरा उस पर कार जो स्मूथ नहीं चलते व्हीकल्स, मुझे ऐसा लगता है मैं चलाता तो मुझे तो ऐसा लगता है मेरी कार खराब है, बाद में पता लगता है आंगन टेढ़ा है। यस अनदर थिंग। तीसरा मुझे एक और लगता है, जितने एक्सीडेंट मैंने देखे उन पे वो अच्छे होते हैं, वो ट्रॉमा में जाता है बंदा, इमरजेंसी में नहीं जाएगा, ठीक है, पर ड्यूरेबल हैं वो। मोहाली में एक रोड है 89 में बना था वो, उसके बाद आज तक नहीं बनाया गया वो। 89 में कंक्रीट का बना था वो और आज भी ऐसा ही है जैसे बनाया गया था। हाँ थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाएगा ना, इतना कुछ इरोजन होता है, वेदरिंग हो रही है उसकी, तो वो हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए जितने बिटुमिनस के हैं मुझे बताइए कितने ठीक रहते हैं। जहाँ पे हैवी व्हीकल्स चलते हैं वो साल में मुझे नहीं पता, उस पर रिकार्पेटिंग अगर ना करें, और छोड़िए चंडीगढ़ के ये जो लास्ट वाला रोड था इस पर हालत देख लेना, अगर इसकी रिकार्पेटिंग ना करें तो क्या हालत थी अभी पहले और दोबारा हो जाएगी, है ना। और चलिए वैसे इंडिया वैसे इस चीज़ के लिए फेमस था पहले, अब नहीं है। अब ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? स्टील स्लैग। व्हाट इज स्टील स्लैग? पक्का? नहीं आप ठीक कह रहे हैं पर थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं, रेजिड्यू नहीं बोलेंगे, जो उस पर फ्लक्स है ना ऊपर वेस्ट कचरा जो आ जाता है वो साइड में कर दिया जाता है, ये वो होता है बेसिकली, चाहे वो ब्लास्ट फर्नेस हो या इंडक्शन फर्नेस हो। देखी तो होंगी आप लोगों ने, अच्छा सुनी तो होंगी ना, सुन लीजिए, है ना, मैंने देखी है, आप सुन लीजिए उतना बहुत है, या किताबें पढ़ लेना, आप तो यूट्यूब आ गए, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यू विल गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्लास्ट फर्नेस, आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस। जब स्टील को मेल्ट किया जाता है तो ऑब्वियस उसमें इम्प्योरिटीज कुछ ना कुछ तो होगा, जो इम्प्योरिटीज ऊपर आ जाती है दैट इज अ फ्लक्स, तो वो यूज नहीं होती है, वो फेंक दी जाती है, वो स्लैग है बेसिकली, उसको क्रश करके पाउडर की तरह बना दिया जाता है। तो वो कहते हैं वो एक इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको डिस्पोज करना बहुत बड़ा इशू है, उसको कहाँ फेंका जाए, कहाँ डंप करेंगे। अगर हम डंप करते लैंड पे तो क्या करें आप, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खराब कर रहे हैं। ये क्या है, एक बेटर यूज है उसका, कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जितने स्टील प्लांट्स हैं वहां पे जाके देखिएगा ये उसके माउंटेन मिलेंगे आपको बड़े बड़े। तो ऐसी चीज जो कहीं यूज ना हो तो वेस्ट हो, और उसका अगर आप यूज कर पाए, जैसे फ्लाई ऐश एक तरफ क्या है वो प्रॉब्लम थी, अब उसका हमने कुछ सोल्यूशन निकाल लिया कि ब्रिक्स बनती हैं उसका, और दूसरा सीमेंट में यूज किया जा सकता है। तो ये एक तरह से बेटर यूटिलाइजेशन है उस चीज का, किसका, स्लैग का, जो एक वेस्ट मटेरियल, और कहा जाता है कि हजार्डस है, मुझे नहीं लगता हजार्डस होता है, वो हाथ में लेके मैंने देखा कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्यूमाइस रॉक्स। प्यूमाइस रॉक्स देखी है आपने? होती हैं घरों में, होती हैं, हाँ साफ होती हैं, है ना, हाँ यूज करते हैं, ये वही वाली रॉक होती है जो पानी में डालने के बाद फ्लोट करती है उस पर, चाहे आप अपना नाम लिख लीजिएगा। यू मस्ट नो द रीजन द लॉजिक बिहाइंड एवरीथिंग, समझिए चीजों को, प्यूमाइस रॉक फ्लोट क्यों करती है, और वो कौन सी रॉक होती है प्यूमाइस रॉक, क्योंकि जो स्लैग है आपको जब देखेंगे इट लुक्स सिमिलर टू प्यूमाइस रॉक्स ऑनली। कौन सी रॉक होती है प्यूमाइस रॉक? रॉक तो रॉक होती है जी, रॉक तो रॉक होती है। मुश्किल बहुत क्वेश्चन है ये जो मैंने पूछा, इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर समझना है तो। अरे वल्केनिक रॉक होती है,
बोले कहने की कहने से एक ही बात होगी। हाँ ठीक है, ये जरूरत नहीं है आपको, किसने बनाया ये, बच्चों को जरूरत होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जी के, उनको पढ़नी होती है, बड़े वाले हैं आर सेलर मित्तल आपको पता है ना, बताइए कुछ इसके बारे में। हाँ चलिए, क्या एक्चुअली स्टील इंडस्ट्री है, जो मित्तल इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री है, वो वर्ल्ड में उनकी इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे रिफाइनरी लगाई इसलिए बठिंडा में है ना। यस अभी आपको पता हो गया सारा क्या है, कहाँ से मेटलर्जिकल प्रोसेस है, वहाँ से निकलता है और रिप्लेस करने को कुछ मिला नहीं। और एक ये था, एक सर्वे था, तो आपको बस पता होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसे बहुत होते हैं। अच्छी बात है अगर ऐसे सर्वे हो रहे हैं, इसका मतलब इंडिया इम्प्रूव कर रहा है कि ऐसे ऐसे सर्वे भी हमारे यहाँ होते हैं। और ये वर्ल्ड लेवल पर हुआ था कि नॉइसेस सिटी कौन सा है, साइलेंट सिटी कौन सा है, तो आपको अगर जाना तो आपको पता है कि इस सिटी में नहीं जाना, शोर बहुत होगा, नींद नहीं आएगी अच्छी, है ना। मुरादाबाद नाम मुझे नहीं पता कितनों ने सुना होगा मुरादाबाद का, क्योंकि पहले क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, मुरादाबाद पॉपुलर है किसी चीज़ के लिए, ब्रास यूटेंसिल्स बनते हैं, तो ब्रास का सामान चाहिए मुरादाबाद जाइए। ऐसे पता होना चाहिए इंडिया में कौन कौन से सिटीज़ हैं जो किस चीज़ के लिए पॉपुलर हैं, किस इंडस्ट्री के लिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं, अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड आया है, और वैसे कौन है, ढाका है ना। चलिए, रिपोर्ट थी नॉइज ब्लेज एंड मिसमैचेस। उसके बाद किसका रैंक है, इस्लामाबाद का वर्ल्ड में थर्ड है। ठीक है, ये कुछ रिपोर्ट है, UNFR 22 की रिपोर्ट है, 61 सिटीज़ जो टोटल इन्होंने की हैं, और ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो नॉइसेस्ट हैं और जो क्वाइटेस्ट हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे यह जो इसकी वैल्यू है, कितनी वैल्यू को आप नॉइस कहते हैं, जो ह्यूमन है हियरिंग, जो उसकी कैपेसिटी कितने से कितने तक है, कितने हर्ट्स की, 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स तक है ना। जब आप नॉइस की बात करते हैं, यहाँ पे WHO क्या कहता है, 55 फॉर द आउटडोर और 70 फॉर जो कमर्शियल हैं, अगर इसे ज़्यादा है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, और यहाँ की कुछ ज़्यादा तो नहीं है, 119 है, 55 जो है होने चाहिए 119 है, तो बस डबल से थोड़ी सी ज़्यादा है, कोई चक्कर नहीं है, तो बस वो थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। अगर जो क्वाइटेस्ट है वो भी लिमिट से थोड़ा सा बाहर है, अब ऐसे कह सकते हैं, तो यानी कि क्वाइट तो आज की डेट में नहीं रह गया है, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री होगी वो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये कहाँ पढ़ेंगे आप, नॉइस पोल्यूशन सुना होगा आपने कहीं, तो नॉइस पोल्यूशन के बारे में देखना, इम्पैक्ट्स क्या पड़ते हैं आपके ऊपर, कुछ इम्पैक्ट होता है आप लोगों को नॉइस का, नहीं होता, क्या इम्पैक्ट होता है, मुझे लगता है डिपेंड करता है कि आपकी डेफिनेशन क्या है नॉइस की। लोग म्यूजिक बजाते हैं, दूसरे को नॉइस लग रहा होता है मेरे जैसे को, और वो इंजॉय कर रहे होते हैं, तो डेफिनेशन क्या है ना। तो अगर डेफिनेशन आपकी कुछ और है फिर आपको वो एडवर्सली अफेक्ट करेगा, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा है ना। हाँ, और जो बाइक चलाते हैं है ना, उसको लगता है कि बहुत अच्छा फीडबैक मिलने वाला है, नहीं, हाँ, चाहे लोग उसको पकड़ के। चलिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम हमने पहले बात की, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कौन सी है, गरीब कल्याण योजना है ना, कब लॉन्च की थी और क्या स्कीम है ये। एक्चुअली गवर्नमेंट एक चीज करती है, हाँ कौन बोला, बताइए कौन बोला, हाँ बोलिए, शाबाश। फ्री राशन क्या मिलेगा, राशन में चावल गेहूं और बस, राशन का तुम PDS जो सिस्टम था हमारा उसी को एक्सटेंड किया था ड्यूरिंग कोविड। दोनों में डिफरेंस क्या है, PDS में भी दिया जाता है वही चीज, यहाँ पे भी दिया जा रहा है, सिर्फ इतना फर्क था। PDS का क्या था, पहले PDS मंथली था, PDS दिया जाने लगा आफ्टर द पासिंग ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हाफ ईयरली। ठीक है, तो साल में दो बार देंगे, उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व थी, पैसा लिया जाता है, पर कितना वो निग्लिजिबल है अगर कंपेयर किया जाए, क्योंकि जो वीट की कॉस्ट है
वीट की दैट इज अराउंड 22 रुपीज पर किलोग्राम, यहाँ पे जो चार्ज किया जाता है दैट इज 2 रुपीज पर किलोग्राम। तो कॉस्ट तो बहुत कम है बट इट इज अगेन कॉस्ट तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो कॉस्ट इन्वॉल्व है, अब इसी चीज को क्या कर दिया, हाफ ईयरली 6 मंथ में एक बार दे रहे हैं, अब इसको कर दिया क्वार्टरली, तो 2 बार यहाँ देना है 2 बार यहाँ देना है, इसकी कॉस्ट है ये फ्री देना है। तो जो फ्री है वो ये वाला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये इतना था कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई थी इस चीज़ को लेके कि गवर्नमेंट जो है नहीं करे, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इंडिया के चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा था कि आपने वाकई दिया भी है या नहीं दिया, और दिया व्हाट अबाउट दोज माइग्रेंट्स जो आपके यहाँ फंसे हुए हैं उनको दिया, पंजाब ने जवाब बना के दे दिया, हमारे यहाँ तो जी लंगर चलते हैं आप उसकी बात करते हो, हम तो खाना खिला रहे हैं इनको रोज बना बना के, ठीक है। तो ये इसमें आपको क्या पता नहीं क्या क्या मिलता है और कितना है कि 5 किलोग्राम जो है दैट इज एंटाइटलमेंट है एक पर्सन की, ठीक है। 6 मेंबर है तो 6 मंथ का मिलता है, 30 किलोग्राम हो गया अगर 6 मंथ के लिए मिलेगा, ठीक है। और जो PDS में मिलता है 3 चीज़ें बेसिकली 2 ही हैं, और 3 कैसे है डिपेंड करता है कौन से एरिया में है, क्योंकि कहीं पे राइस मिलता है, पंजाब में वीट मिलता है, और कहीं पे कोर्स सेरल मिलता है। 3-2-1 जो पैडी है यानी कि राइस, उसका जो कॉस्ट है 3 रुपीज पर किलोग्राम है, जो वीट है उसकी जो कॉस्ट है PDS में 2 रुपीज पर किलोग्राम है, कोर्स सेरल की 1 रुपीज पर किलोग्राम है। ये तो ये है जो दिया जाता है, बट कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो इसके अलावा एडिशनल चीज़ें भी देती हैं, जैसे UP ने स्टार्ट किया था कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें देनी, हिमाचल अलग चीज़ है, हिमाचल को स्पेशल स्टेटस मिला है उस वजह से वहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन अंडर PDS, मुझे ऐसा लगता है। पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में सिर्फ वीट मिलता है, कभी कभी जो पल्सेस हैं वो भी आ जाती हैं। पहले केरोसिन ऑयल दिया जाता था, फिर एक कमिटी बनी थी, एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने स्टडी किया इस सिस्टम को PDS, उन्होंने कहा यहाँ पे लीकेज बहुत है इसको बंद कर दिया जाए, उसके बाद जो केरोसिन ऑयल है वो रिड्यूस कर दिया, ग्रेजुअली एलिमिनेट कर दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। PDS को अपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, तो आपको PDS सिस्टम पता होना चाहिए कि क्यों लॉन्च किया गया था, कोई प्रॉब्लम है उसमें, क्या इश्यूज हैं और वो कैसे रेक्टिफाई किया जा सकती, क्योंकि एक उसमें न्यूज़ जो हमेशा रहती है, जो डिमांड थी वो थी वन नेशन वन राशन, वो डिमांड क्या वो सरकार ने बना दी कि हम ऐसा करेंगे, उसका बेनिफिट अगर होगा सबसे ज़्यादा किसको होगा, माइग्रेंट लेबर को होगा, क्योंकि जो माइग्रेंट्स हैं राशन किसको मिलता है, जो रेजिडेंट है, अगर वो कहीं और शिफ्ट कर गया तो राशन तो नहीं मिलेगा ना फिर उसको, फिर क्या बेनिफिट हुआ गवर्नमेंट की स्कीम का। तो वो स्कीम है कि वन नेशन है तो वन राशन कार्ड की, अगर कोई शिफ्ट होता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, डिजिटल कार्ड होना चाहिए। अगर कोई UP में है वो पंजाब आ गया तो वहाँ से राशन लिया पिछला, अगला लेगा वो पंजाब से। कहने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ईजी लगता है, प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके लिए आपको एक सेंट्रल सर्वर करना पड़ेगा इस्टेब्लिश, और सेंट्रल सर्वर पे पूरे इंडिया के बेनिफिशरीज का डाटा लाना अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डाटा की कवरेज है, पहले जो डाटा था उसमें बहुत कम लोग कवर होते थे, जो पुराना PDS था, फूड सिक्योरिटी एक्ट में वो कहते हैं मोर देन 65% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो कवर करेंगे, मतलब फिर बचा कौन, बचा कौन, कि सबको देंगे हम। और उस पर ये कहा जाता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को मिलेगा और अर्बन मोर देन 50% कि वो पॉपुलेशन को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पहले जो राशन कार्ड इशू हुआ करते थे उसका पर्पज़ क्या हुआ करता है, यू नो व्हाट वाज द पर्पज़ ऑफ राशन कार्ड अर्लियर, एज अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो लोग किस लिए बनाते थे राशन कार्ड, रेजिडेंस प्रूफ के लिए। उसका सबसे बड़ा लॉस पता क्या था, सबसे बड़ा जो उसका इंपैक्ट था, करप्शन। तो करप्शन किसने प्रमोट की, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कैसे कैसे, उसको कहते हैं घोस्ट राशन कार्ड, कि राशन कार्ड आपने इशू करवा लिया, फॉर एग्जांपल एक सिटी है कोई भी एक ले लीजिए ABC, वहां पे बेनिफिशरीज हैं उसमें 10,000, ठीक है, 10,000 में से 5,000 वो हैं जिनको सिर्फ राशन नहीं, राशन एड्रेस का रेजिडेंस का प्रूफ चाहिए था। जो एंटाइटलमेंट होगी
अगर वो 10,000 के लिए नहीं है तो पहले 7,000 के लिए हुआ करती थी, क्योंकि उसमें कैटेगराइजेशन क्या थी, एक वो जो बीपीएल को मिलेगा, एक वो जो गवर्नमेंट की डबल ए वाई स्कीम थी, ये वो लोग हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे, ये वो हैं जो पुअर से भी पुअर थे, और एक तीसरा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था एपीएल, इनको 100%, इनको 100%, यहाँ पे कुछ परसेंटेज कवर किया जाता था। इसका मतलब अगर 7,000 लोगों के लिए एंटाइटलमेंट है, वीट गवर्नमेंट अलॉट कर रही है किसको, जो एजेंट है जिसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेने कितने जा रहे हैं लोग, 5,000, 2,000 लोग लेने नहीं जा रहे हैं। अब 2,000 के लिए जो वीट आई वो कहां गई, वो क्या करेगा, वो ऐसे रिक्वेस्ट करके वापस करके आएगा कि लोग लेने नहीं आए, आप रख लीजिए, है ना, तो वो क्या होगा, फिर कहते करप्शन क्यों है, इसलिए है क्योंकि हम लोग करवाते हैं, वी आर करप्ट, हमें लगता है हमने क्या किया, यस हमने ही तो गलत किया। अब जो है, अब सिस्टम ऐसा नहीं है, अब ये सारा हो गया खत्म, अब एक राशन कार्ड है, और जो राशन कार्ड है द पर्सन इज एंटाइटल्ड, या तो बनेगा नहीं, अगर जिसका बनेगा वो एंटाइटल्ड है फूड के लिए, अब ऐसा है, पहले था ऑप्शनल था कि सभी को मिलेगा नहीं, कुछ परसेंटेज को मिलेगा, अब तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप नहीं ले रहे इसका मतलब लीकेज है कहीं पे, और लीकेज को कम करने के लिए पंजाब ने बायोमेट्रिक कर दिया है सारा, जो बेनिफिशियरी है वो अपनी अटेंडेंस मार्क करेगा यूजिंग थंब इम्प्रेशन, तो ऐसा कुछ किया जा रहा है। तमिलनाडु ने एक और चीज की थी, उन्होंने जो ट्रक्स होते हैं जो ये कमोडिटी लेके जाते हैं, पर्टिकुलरली द ऑयल द केरोसिन, उस पर GPS लगा दिए गए थे कि अगर ट्रैक करेंगे उसको, ये ट्रक जाता कहाँ पे है, अगर रुका है कहीं पे बीच में सप्लाई करने को तो पता लगेगा कहाँ पे रुका, तो उसको वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, और ऐसा किया गया। दूसरा जो किया गया करप्शन कम करने के लिए, कंप्यूटराइजेशन, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन का बेनिफिट ये होता है, जो वो है इनवैलिड कार्ड है, वो लोग जैसे आप आज यहाँ रह रहे हैं, कल को शिफ्ट हो गए तो कार्ड थोड़ी ले जाते हैं साथ में, कार्ड ले गए आप कौन सा बता के जाते हैं हम शिफ्ट हो रहे हैं, मेरे लिए जो फूड ग्रेन आना है वो नहीं लेना, कोई बता के जाता है, कोई नहीं जाता, उनको कहते हैं घोस्ट, वो सारे घोस्ट, और ऐसे मिलियंस थे राशन कार्ड घोस्ट कार्ड, तो वो सारे ऐसे एलिमिनेट किए गए। बाकी आप लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है, है ना, तो ये बताना चाहिए बस, और क्या, चार पांच और थी, ये हेडलाइन मुझे लगा बस आपको वैसे ही बता दूंगा, पार्लियामेंट में मुद्दा उठ रहा था, वो कहते भैया हमने इतनी बार का कुछ करोगे आपके, नहीं करोगे क्या, टाइम बदल रहे हो, वो कहते पार्लियामेंट आने का टाइम नहीं है, ये इंडिया का टाइम है, इंडिया का टाइम चेंज करने की जरूरत है, जोनिंग करने की जरूरत है उनके अकॉर्डिंग, तो जोनिंग कीजिए, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहते 15 साल हो गए हमें शोर मचाते हुए, कभी कोई सरकार आती है कहती हम करेंगे पर नहीं किया जा रहा, अब यहाँ पे मूड पॉइंट क्या है, अब बैठ के सोचिएगा, जब आप बिल्कुल अकेले हों काम होना करने को, तो सोचिएगा कि इंडिया का टाइम जो है वो यूनिफॉर्म ठीक है पूरे कंट्री में या डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफिकली वास्ट है और वहाँ का जो टाइम है ज्योग्राफिकली वो यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे अभी सनसेट नहीं हुआ है, अरुणाचल में मुझे लगता है हो गया होगा, कितने हो गए, हाँ वहाँ सनसेट हो चुका होगा, है ना, वो लाइट जला के बाहर घूम रहे होंगे बेचारे हेडलाइट जला के, आप लोग जब सो रहे होते हैं उठ के देखते हैं अभी क्या किया जाए, घड़ी में जाए उनके अभी 7 ही बजे होते हैं पर उठे हुए 2 घंटे हो चुके हैं उनके, तो ये डिफरेंस है, तो ये डिस्कशन चल रही है पार्लियामेंट में। हमने वो लिंकिंग की बात कर रहे थे उस दिन, रिवर लिंकिंग के नए नए प्रपोज किए गए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, ठीक है, क्यों हो चुके हैं ये हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि ट्राइब्स है डिस्प्लेस होंगी, तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकल इशू है, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है हमने कर दिया कि हम ये लिंकिंग प्रोजेक्ट पास कर दिया, अब लिंकिंग करेंगे इतना बेनिफिट होगा ये होगा, व्हाट अबाउट जो रेजिडेंट हैं वहाँ के, द नेटिव द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो कोई सिटी के रेजिडेंट नहीं है जो शिफ्ट हो गए इस फ्लैट से उस फ्लैट में चले जाएंगे, उनका घर है जंगल, उनकी लाइवलीहुड उसी जंगल पे चलती है, वो किसी कॉर्पोरेट में काम नहीं करते हैं या वो ऑनलाइन बैठ के
कुछ और नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आईटी सेक्टर कुछ नहीं है, बैंकिंग सेक्टर कुछ नहीं है उनके लिए, तो ये क्या है, दिस इज प्रैक्टिकल इशू और तो प्रोटेस्ट होना लाजमी है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक ये न्यूज़ थी कि दोबारा से ब्लीचिंग हो रही है, कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ में, कि दिस इज़ द फोर्थ टाइम सिंस लास्ट 5 ईयर्स की ये एक्सपीरियंस किया जा रहा है। ग्रेट बैरियर रीफ इज द लार्जेस्ट क्या है, कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ चले जाइए, है ना, बस। तो अगर इसको कुछ होता है तो वहाँ की जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी, अगर इकोलॉजी डिस्टर्ब होगी तो आगे बताने की जरूरत नहीं है फिर क्या क्या डिस्टर्ब होगा, है ना। तो ये कुछ चल रहा है, ट्रैक करते रहिए। बातें और भी थी, एक उसका भी था जोजिला टरल, उसको कहा कि जल्दी कंप्लीट कीजिए, 2025 का टारगेट है, वो कहते 24 तक कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमारी ना कुछ चलती रहती है चाइना के साथ, है ना। हाँ, और टनल का बेनिफिट ये होने वाला है, जो मूवमेंट है एक तो ऑल वेदर हो जाएगी, अभी तो आप सुनते हैं ना जब स्नोफॉल होती है तो क्या हो जाता है, स्टक हो जाते हैं लोग स्नोफॉल के बाद, वो हाईवेज जाम हो जाते हैं, है ना, पर्टिकुलरली जो माउंटेनियस एरिया उनको क्रॉस करना इट इज़ डिफिकल्ट, और उस जो टाइम है ट्रैवलिंग का वो कम हो जाएगा। तो जोजिला टनल न्यूज़ में है, तो जितनी भी न्यूज़ रहती है उनको ट्रैक करते रहे। एक न्यूज़ थी रिगार्डिंग उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक सेंसिस किया किसका, डॉल्फिन का, वो कहते डॉल्फिन जो है कहाँ पे, कौन सी लेक है, चिल्का लेक है, है ना, मुझे शुरू में छिलका लगता था, हाँ चिल्का के लेक में के बारे में 30 वर्ड्स लिख लेना कि आप क्या बोल सकते हैं, 30 वर्ड्स सेंटेंस नहीं बोल रहा हूँ मैं, 30 वर्ड्स लिख लेना कि उसकी क्या स्पेशलिटी है, वो लार्जेस्ट है, कौन सी है, फ्रेश वाटर है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लोकेशन क्या है, किस चीज़ के लिए पॉपुलर, कौन सी सेंचुरी है वहाँ पे, ये सब प्री के आस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे डॉल्फिन है, और जहाँ डॉल्फिन है इसका मतलब वो वाटर जो होगा अच्छा होगा, फ्रेश होगा, है ना, उसमें ऐसी रहती है ना डॉल्फिन, तो पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में था, तो आज के लिए इतना सत्संग बहुत है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक इन्जॉय कीजिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।